जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास है हिमाचल प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे 651 से लेकर जो है 700 तक के हैं, यानी कि 651 से यानी कि 600 से ज्यादा सवालों के मैं जवाब दे चुका हूँ और भी जवाब दे रहा हूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी वीडियो में और हम सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल आ रहा है, कुल्लू को कौन सी श्रृंखला कांगड़ा से अलग करती है? तो कुल्लू को जो है कौन सी श्रृंखला अलग करती है कांगड़ा से, तो वो है बड़ा भंगाल। कौन सी है? बड़ा भंगाल श्रृंखला जो है वो कुल्लू को जो है वो अलग करती है कांगड़ा जिला से। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है आपका पार्वती, फोजल, सैंज, तीर्थन। देखिए फिर से सवाल आ रहा है, तीर्थन, पार्वती, गड़सा, गरौनी, कुरपण घाटियां, ये कहां पर स्थित है? ये सभी घाटियां जो हैं, पार्वती आपको पता है पार्वती वैली है, मणिकर्ण वहां का मेन है, वैसे सैंज है, तीर्थन वैली है, ये सभी घूमने के प्लेसेस भी है। पर्यटन की दृष्टि में भी अगर मैं बात करूं तो ये सभी के सभी जो हैं वो कुल्लू जिला में स्थित हैं। कहां पर हैं? कुल्लू जिला में स्थित हैं। अगला सवाल है सोलंग। सोलंग देखिए, सोलंग वैली बहुत ज्यादा लोग जाते हैं मनाली में घूमने, ठीक है। फोजल फिर से आ गया, अलणी, झांकी, सैंज, तीर्थन, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये नदियां यानी कि आपको मालूम है यानी कि मनाली से, मनाली कहां पर आता है? कुल्लू जिला में आता है। तो वहां से कौन सी नदी निकलती है? वो नदी निकलती है आपकी ब्यास नदी, मुख्य नदी का नाम आ रहा है और सभी जो है वो छोटी नदियों का रूप है। तो मुख्य नदी कौन सी है? ब्यास नदी। तो इसका सही आंसर रहेगा ब्यास नदी। अगला आ रहा है भृगुसर, दशहर सर और सरोताल, द्योरी झील, हंसा झील, खीर गंगा, ब्यास कुंड, विशिष्ट, ये सब कहां पर है? विशिष्ट से मुझे याद आ रहा है कि राम मंदिर भी है मनाली में और बहुत से लोग घूमे हैं। आप भी गए होंगे तो जरूर कमेंट करिएगा कि आपने भी देखा है, विशिष्ट मंदिर है और बहुत ही अच्छा झरना है, मतलब स्प्रिंग है ये, और वहां पर जो है गर्म पानी का है यहाँ पर, ठीक है, विशिष्ट में। और राम का मंदिर भी है और विशिष्ट का भी है, ठीक है जी। तो ये कहां पर है? कुल्लू जिला में है, मनाली में है मगर, ठीक है। तो आंसर इज मनाली। अगला है मानत लोई जोत किसको जोड़ता है? तो मानत लोई जोत जो है वो स्पीति को जोड़ता है मणिकरण से। स्पीति को किससे जोड़ता है? मणिकरण से जोड़ता है। अगला सवाल है, स्पीति और कुल्लू के बीच कौन सी जोत है? स्पीति और कुल्लू के बीच जो है वो हमटा, कौन सी है? हमटा जोत है। कौन सा आंसर रहेगा बच्चों? हमटा जोत है। कौन सी आंसर रहेगा? जोर से याद रखते रहो, रिपीट किया करो मेरे साथ, हमटा जोत। रोहतांग जोत का प्राचीन नाम क्या है? तो वो है भृगुतुंग। यानी कि देखिए रोहतांग को सभी जानते हैं मगर पुराना नाम नहीं जानते हैं, तो भृगुतुंग जो है वो इनका पुराना नाम है, याद रखिएगा। कांगची जोत किसको जोड़ता है? कांगची जोत जो है वो गड़सा और सैंज घाटी, इन दोनों घाटियों को आपस में जोड़ता है, सैंज और गड़सा। अगला है कुल्लू रियासत के संस्थापक कौन थे? तो बिहंग मणिपाल जो है वो इसके संस्थापक थे, कमाऊ के रहने वाले थे, गढ़वाल की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की। कुल्लू की राजधानी जगत सुख से नगर ट्रांसफर की है, तो वो कौन लाया था? तो वो लाया था विशुधल। कौन लाया था? विशुद्ध पाल। अगला है चंबा के राजा साहिल वर्मन तथा कुल्लू के राजा नारद पाल के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चलता रहा? यानी कि आपस में जो है वो लड़ते रहे, कितने सालों तक लड़ते रहे? 12 सालों तक ये आपस में युद्ध हुआ। कितने सालों तक हुआ है? 12 सालों तक। अगला सवाल है, औरंगजेब ने कुल्लू के किस राजा को मान्यता दी थी? यानी कि उसको अपना जो है समकालीन भी बना था वो उसका, तो राजा जगत सिंह।
क्या आंसर रहेगा? राजा जगत सिंह। अगला सवाल है, कुल्लू के किस राजा को कुम्हार सेन के राणा की रानी से जो है प्रेम के कारण हत्या का शिकार होना पड़ा? तो राजा मान सिंह ही इसका आंसर रहेगा, राजा मान सिंह बच्चों, ठीक है जी, याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, राजा मान सिंह। विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए कुल्लू का कौन सा स्थान ख्याति प्राप्त कर चुका है? यानी कि सबसे पुराना लोकतंत्र है और उसका नाम बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप सबको मालूम है कुल्लू में एक ही गांव है और सेल्कस के जो है वो पूर्वज माने जाते हैं, और तो वो है गांव मलाणा, ठीक है, कौन है? मलाणा गांव है, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है कुल्लू के द ग्रेट हिमालयन पार्क, कुल्लू में क्या है? द ग्रेट हिमालयन पार्क है, इसको अंतरराष्ट्रीय धरोहर का दर्जा कब मिला, यानी कि इसको नेशनलाइज्ड कब किया गया है इंटरनेशनल लेवल पर, कब आया? सन 2014 में, कब आया? सन 2014 में जो है इसको मान्यता प्राप्त हुई है। किस स्थान पर सूर्य की पूजा का प्रचलन रहा है? कौन से स्थान पर जो है सूर्य की पूजा की जाती है? आपको मालूम है सूर्य की पूजा जो है वो नीरथ में की जाती है, हिमाचल का सूर्य मंदिर भी नीरथ में ही स्थित है, कहां पर है? नीरथ। काहिका मेला कहां पर मनाया जाता है? तो काहिका का मेला जो है वो कुल्लू जिला में मनाया जाता है। फागली और बिरशू मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो आज आपको मालूम है कि मैं कुल्लू से जुड़े हुए क्वेश्चन के सबसे ज्यादा आंसर दे रहा हूं, तो इसलिए इसका सही आंसर रहेगा बच्चों कुल्लू जिला, यानी कि कुल्लू में ही मनाया जाता है। अगला है पीपल जातर निर्मंड की बूढ़ी दिवाली, देखो निर्मंड में मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली, और बंजार मेला, भुंडा त्योहार, ये कहाँ के मनाए जाने वाले हैं? तो ये भी कुल्लू जिला में ही बच्चों मनाए जाते हैं। कहाँ पे मनाए जाते हैं? कुल्लू जिला में मनाए जाते हैं। अगला सवाल, शिंगी ऋषि का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो शिंगी ऋषि का भी मंदिर जो है वो कुल्लू जिला में ही है, और कहाँ पर है? बागी, बागी पुल भी है वहां पर जो है वो शिंगी ऋषि का जो है वो मंदिर स्थित है। चंद्रा घाटी को किस नाम से जाना जाता है? जो चंद्रा घाटी है उसे रंगोली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाता है? रंगोली के नाम से भी जाना जाता है। अगला है चंद्रा घाटी पर स्थित लाहौल की सबसे ऊंची चोटी घेपन की ऊंचाई कितनी है? वो है 21,000 फीट। कितनी है? 21,000 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। अगला है चंद्रभागा घाटी का स्थानीय नाम क्या है? तो चंद्रभागा का जो स्थानीय नाम है वो है पतन। क्या नाम है? पतन। अगला सवाल है थ्योट और उदयपुर, देखिए थ्योट और उदयपुर में के मध्य कौन सा मंदिर है? तो थ्योट और उदयपुर के बीच में जो है वो है हमारा शिव भगवान का और बौद्ध धर्मों का और साथ में हिंदुओं का, दोनों का इकट्ठा मंदिर है माना जाता है, और वो है त्रिलोकीनाथ मंदिर। कौन सा है? त्रिलोकीनाथ मंदिर। अगला सवाल है चंद्र ताल, सूरज ताल, दीपक ताल, नीलकंठ झीले कहाँ पर स्थित हैं? तो ये झीले कहाँ पर स्थित हैं? ये हैं लाहौल स्पीति में। कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में स्थित। अगला है कुल्लू के किस राजा ने ऊपरी लाहौल पर अपना अधिकार कायम कर लिया था? तो किसने किया था? राजा विधि चंद ने, चंद सिंह, हाँ राजा विधि सिंह, मैंने चंद बोला, राधा राजा विधि सिंह ने जो है वो किया था। घोघड़धार, देखिए बहुत बार आता है ये घोघड़धार, पूछी जाती है कई बार, क्योंकि यहाँ पर डायनों का युद्ध भी होता है और देवताओं के बीच में युद्ध अभी पीछे जैसे मनाया गया है, घोघर धार में ही मनाई जाती है। सिकंदर धार,
बैरकोट धार ये किस जिले में है? तो ये है मंडी जिला में स्थित है घोघर धार, जो कि जोगिंद्र नगर की साइड को गिना जाता है। जोगिंद्र नगर और मंडी के बीच में जो मंडी का एरिया है उसमें लेफ्ट साइड में जो कुल्लू को जाते हुए रास्ते में जो है घोघर धार आती है। नेक्स्ट आता है श्री सुखदेव आश्रम सुकेत, यानी कि सुंदर नगर, ठीक है, किस ऋषि की तपोभूमि रहा है? तो वो रहा है लोमेश ऋषि की तपोभूमि रहा है, लोमेश ऋषि की तपोभूमि। अगला सवाल है सुकेत के किस राजा ने संतान की प्राप्ति के लिए महामाया मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था? वो आंसर है लक्ष्मण सेन। किसने करवाया था? लक्ष्मण सेन ने। और नवरात्रों के पंचमी को ललित सेन बेटा, यानी कि उसके बेटे का जन्म हुआ था, ललित सेन का जन्म फिर हुआ था, ठीक है जी। अगला सवाल है सुकेत रियासत के संस्थापक वीर सेन थे तथा उसके भाई गिरी सेन ने किस रियासत का जो है वो स्थापना की थी? तो वो थी क्योथल रियासत की स्थापना की थी। किसकी की थी? क्योथल रियासत की उन्होंने स्थापना की थी। राजधानी पांगड़ा से लाहौरा किस राजा ने स्थानांतरित की, यानी कि लाहौर होगा, पांगड़ा से लाहौरा लिखा है, लाहौर हो सकता है, मदन सेन ने जो है उसको स्थानांतरित किया था। क्या आंसर रहेगा? मदन सेन। मंडी के किस राजा के 22 पुत्र और उसके सामने ही मर गए? तो वो थे जीत सेन थे। नेक्स्ट आया बनेड़ से सुंदर नगर का नामकरण किस राजा ने किया था, यानी कि कौन सा राजा था? सुंदर नगर का जो है पुराना नाम जो था वो बनेड़ था, तो उसको किसने जो है नामकरण मतलब इसने चेंज किया था? वो थे गरुड़ सेन। क्या नाम था? गरुड़ सेन जो थे उन्होंने बनेड़ से सुंदर नगर जो है नामकरण किया था, यानी कि चेंज किया। सुंदर नगर में स्थित सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो गरुड़ सेन की पत्नी ने करवाया था। किसने करवाया था? गरुड़ सेन की पत्नी ने। मंडी नगर में से सुंदर नगर तक मोटर सड़क का निर्माण किसने करवाया, यानी कि गाड़ियों के लिए? तो वो थे राजा लक्ष्मण सेन। कौन थे? राजा लक्ष्मण सेन जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला है मंडी के किस राजा के 18 पुत्र मर गए थे और अपना राजपाट माधोराव को समर्पित करने के बाद उसकी पुत्री का जन्म हुआ था? तो वो थे सूरज सेन। क्या आंसर रहेगा? सूरज सेन। अगला सवाल है मंडी के प्रसिद्ध कमलाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो कमलाहगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो भी मंडी के राजा ही थे, सूरज सेन। कौन से रहे हैं? सूरज सेन। अगला है दमदमा महल मंडी का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये भी एक तो दमदमा महल कहां पे है ये सवाल ये बनता है, और किसने करवाया? तो सूरज सेन। क्या आंसर रहेगा? सूरज सेन। अगला है गुरु गोविंद सिंह ने जब मंडी को आशीर्वाद दिया था, मंडी को जब लूटेंगे आसमानी गोले तो छूटेंगे उस पर, उस समय मंडी का छूटेंगे उस समय मंडी का जो है वो राजा कौन था? जब मतलब ये लफ्ज कहे गए हैं तो वो थे सिद्ध सेन। क्या नाम था? सिद्ध सेन। अगला है मंडी राज्य की का इतिहास किताब किसने लिखी थी? बहुत ही है किताबों से जुड़े हुए सवाल बहुत बार आते हैं, ये है मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? मनमोहन सिंह। अगला है मंडी के प्रसिद्ध पंचवत्र, कई अब इस बार जैसे आपको पता पिछले साल लास्ट ईयर भी उसमें बहुत ज्यादा पानी जो है वो फ्लड आया हुआ था, तो पंचवत्र है ये मंडी में स्थित है। तो ये किसने बनाया है? राजा सिद्ध सेन ने। किसने बनाया बच्चों? राजा सिद्ध सेन ने। अगला है मंडी के किस राजा के समय में एक अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट मंडी
होता हुआ कुल्लू लद्दाख गया था, तो वो कौन था? वो थे ईश्वरी सेन। कौन थे? ईश्वरी सेन। अगला है, चौहार घाटी के किस देव के सामने धूम्रपान करना दंडनीय अपराध रहा है? वो थे हेंग हुद्रुंग नारायण, ने देव हुद्रुंग नारायण। नेक्स्ट आया, लगी जात्रा मंडी नगरा हारे आए देव देवी सारे। मंडी के शिवरात्रि के मशहूर गीत के रचयिता कौन है? तो पंडित ज्वाला प्रसाद। क्या आंसर आएगा? पंडित ज्वाला प्रसाद। बुशहर का प्राचीन राजधानी क्या थी? बुशहर रियासत की जो राजधानी थी पुरानी वो थी कामरू। क्या थी? कामरू। बुशहर के किस राजा को देवी देवताओं की कृपा दृष्टि के कारण गर्मी से बचने के लिए जहां पर भी राजा जाता था सूर्य के सामने बादल का एक टुकड़ा मंडराने लगता था? मुगल सम्राट के ने ये जानकर राजा को छत्रपति का खिताब दे दिया, और उस समय का राजा कौन था? तो उस वक्त जो है राजा केहर सिंह जो थे वो उनका शासन था। सतलुज नदी के किनारे कार्तिक मास में लवी मेला को किस राजा ने जो है आरंभ किया है? तो ये भी केहरी सिंह ही, यानी कि केहर सिंह बोलो, तो उन्होंने ही ये स्टार्ट किया है। अगला सवाल है, हांगरांग घाटी तिब्बत से किस राजा को जागीर में मिली थी? तो वो भी आंसर यही रहेगा, केहरी सिंह। आपके लिए मिलते जुलते क्वेश्चंस लाया होता हूं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस और लर्न हो जाए, तो इसलिए वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों में भी। अगला सवाल है, 26 से 28 फरवरी 1948 के भगाट के राजा दुर्गा सिंह ने पहाड़ी रियासतों में सम्मेलन बनवाया या करवाया। सत्यदेव बुशहरी के सुझाव पर राजा दुर्ग ने जो है पहाड़ी रियासतों को संघ बनाया, तो उसका क्या नाम रखा? यानी कि पहाड़ी रियासतों को जब जोड़ा तो उसका नाम रखा हिमाचल प्रदेश। क्या नाम रखा था? हिमाचल प्रदेश। और आज का अंतिम सवाल है, जुब्बल रियासत के स्थापक कौन थे या की स्थापना किसने की? तो वो थे हमारे करण चंद। क्या नाम थे? करण चंद। तो ये थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो का सेशन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको अच्छे से आती रहेंगी। और अपनी तैयारी करिए बच्चों, डट कर मुकाबला करिए, और अब के बाद जो है वो खाकी जो है वो अपने घर लेकर आइए। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।